it's a deep fryer. You mix it. और आलू और ये हमारी आलू गोभी आ रही है, तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा। सो हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द डागर फैमिली पे स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले सैंडविच, तो मम्मी बना रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी कौन कौन सी सब्जी काटी है? ये देख, मैंने खीरा काट दिया, खीरा, ये प्याज, ये टमाटर, और ये कौन? सारे वॉश कर दिए थे और मैंने अभी इनको काट के, ये ब्रेड, ये मेयोनीज, चटनी, ये तो ऑप्शनल है, लेनी हो लो। सारी चीज ऑप्शनल होती है, घर में जो मिल जाए ना वही सही होता है। मैं भी खाऊंगा एक। तू भी खाएगा? हाँ। तेरा तो कहीं रोल भी नहीं था। क्यों? क्यों क्या? मैं क्यों नहीं खाऊंगा? तो मैं ब्रेड देखूंगी, ब्रेड कितनी है? 2, 4, 6 हो गए। शुरू के 2 मेरे। सबकी ऐसे ही। बस फिर ठीक है। हाँ ठीक है। मैं 3 पर लगा दूंगी यूनिट। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ये देख, तीनों का बेस तैयार हो गया। हाँ सर, मैंने स्कूल से आते वक्त ब्लूबेरी का वो पिया था। क्या? कोल्ड ड्रिंक। हाँ तो कोल्ड वो ही बनाया था ना मैंने तेरे लिए, कस्टर्ड। कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया, एक नंबर था कस्टर्ड पाउडर। काली मिर्ची बच रखा है, अभी रात को खाऊंगा। हल्का सा नमक, अब इसमें मैं अपनी सारी सब्जियां लगा दूंगी। अजय तेरे में प्याज डालना है? ठीक है, मेरे में डाल देना इसकी वटकी का। बस ये तेरे बटके का, ये मेरा है। ठीक है, ये हमारे कॉर्न, मैंने इस पे लगा ली ग्रीन चटनी। ये गया दूसरा। और ये गया हमारा तीसरा। ये बन गए हमारे सैंडविच। अब मैं टोस्ट में डालोगे? नहीं। में डालोगे क्या? नहीं। ये आशी क्या? ये तो ठीक है। ये वाला मेरा है, ये आशिका और मम्मी का। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो सबको ही आती होगी, लेकिन मैं जो है वो डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक अलग तरीके से आपको बनाने की बताऊँगी, जिससे आप फटाफट 1 या 2 मिनट में बनने के लिए तैयार होने के लिए रख दोगी और एकदम ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ
वो है चावलों की रेसिपी, जो जो कि मेरी वीडियो देखते होंगे तो सोचते होंगे ये तो हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसे ही राइस बनाती है, चावल बनाती है, पर मेरे परिवार वालों को और मेरे बच्चों को चावल बहुत पसंद है और उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं आज उसी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना और देखना कि मैं कैसे कैसे चावल बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। अब कढ़ाई को मैंने धोया था तो इसमें पानी है थोड़ा सा जो बच जाता है धोने के बाद, तो अभी पहले इसको सुखा लेंगे। तो चलिए और आगे का मैं काम शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ कट कर ली हैं इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, मटर, आलू, प्याज और जैसे जो भी सब्जी आपके घर पे हो, शिमला मिर्च हो, गोभी हो, वो आप डाल सकते हो। मेरे पास आज यही थी तो मैं यही डाल रही हूँ। और चावलों को ऐसे खिलमा खिलमा बनाने के लिए जैसे वो दिखाते हैं ना ऐड वगैरह में, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि जैसे एक एक चावल गिर सकते हैं, वैसे बनाने के लिए हमें थोड़ा सा खुला बर्तन चाहिए होगा, तो आप पतीला या कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, मैंने जो कढ़ाई जो है मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, क्योंकि हमारा जो परिवार है ना बड़ा परिवार है, हम 7-8 जन हैं एक परिवार में और बड़े बड़े हैं सारे, बच्चे तो दो ही हैं, तो इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। तो अब मैंने इसमें बनाने के गैस जो है चला दी है और अभी जैसे ये पानी सूख जाएगा ना उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और उसके बाद जो होगा हमारा तड़का तैयार होने के लिए शुरू हो जाएगा। उससे पहले ये देखिए मैंने सब्जियों को अच्छी तरीके से कट कर दिया है। ये दो टमाटो लिए हैं, टमाटर आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आप डालो या ना डालो। और मैंने लिया साथ में मटर ली है, ये देखिए मटर, मटरों को मैंने पहले ही छील के रख लिया था क्योंकि बार बार मैं छील नहीं सकती, क्योंकि खाना बनाने में क्या होता है कि जल्दी होती है। और अभी मैं चल के एक बार चावल ले लेती हूँ फटाफट से। कढ़ाई जो है गर्म हो गई थी तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है और ये चावल मैंने ले लिए हैं, तो इसको 4-5 बार धो लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, क्योंकि घी जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। ये देखिए कैसे एकदम से ये ऊपर आ गया, ये जैसे ही ब्राउन ब्राउन सा होगा उसके बाद जो है हमारी कटी हुई जो ये सब्जियां हैं ये मैं सारी की सारी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च और हल्दी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, कोई भी ऐसे मसाले नहीं बता रही हूँ जो कि आपके बच्चों को या फिर आपको आपके शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ज़्यादा मसाले ना हम एक दिन खा सकते हैं, दो दिन खा सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं खा सकते क्योंकि जलन होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक के मैं रख दूँगी, मसालों को अच्छे तरीके से मिला दिया है और इसको अब ढक्कन ढक देंगे। तो अभी जो है 2 या 3 मिनट हो चुके हैं इसको ढक के रखे हुए। इस पे मैंने परात रख ली थी क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई का मेरे पास कोई ढक्कन नहीं था। तो ये देखिए मसाले जो है बिल्कुल पक चुके हैं और कलर जो है कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे मैंने चावलों को 3-4 बार धो लिया था और ये पानी से बाहर निकाल दिए थे। और ये देखिए, और जो हमारे चावल है ना इनकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है कि दूर दूर तक पता चल जाता है कि आज मैंने चावल बनाए। ऊपर वालों को जब भी पता चल, ऊपर वालों को तो तभी पता लग जाता है, खुशबू आ जाती है। सभी को खुशबू आ जाती है। और अभी इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक आलू दे देना निकाल के, नहीं अभी कच्चा है। सब्जियां ज्यादा डालोगे ना तो और ज्यादा दिखने में अच्छे सुंदर लगेंगे और टेस्टी भी बनेंगे और क्या है हेल्दी भी बन जाएंगे, क्योंकि सब्जियां तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी और डालनी चाहिए थी। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, जितने मैंने चावल लिए थे ना उससे 1 कप ज्यादा पानी ऐड कर देंगे। चावल मैंने 3 कप लिए हैं।
चार कप पानी। हाँ, चार कप पानी, क्योंकि हमारा जो है ना परिवार बड़ा है, तो मैंने चावल भी ज्यादा ही बनाए। परिवार बड़ा है। परिवार बहुत बड़ा हमारा, खाता पीता परिवार है ना, क्योंकि कम तो कोई खाने वाला है नहीं। ऐसे नहीं है कि सब थोड़े थोड़े खाएंगे, सब पेट भर के खाएंगे। पेट भर के ज्यादा। और सबको चावल बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे तो दूसरी तीसरी बार डलवाने का मन कर जाता है। बस ये पानी बस है, सब्जी बना दी, कढ़ाई तो ना पूरी भर दी। हाँ, कढ़ाई पूरी भर के ही खाएंगे। अब मैं इसको फुल आंच पे पकने के लिए रख दूंगी और ढक्कन लगा देंगे। इससे पहले ना थोड़ा सा नमक चख लेना, इसको ऐसे लो। नमक और मिर्च ऐसे टेस्ट कर सकते हो, कम या कम लगे तो आप इसमें डाल ऐड कर सकते हो, क्योंकि बाद में है ना आप मिलाओ भी के ना तो कहीं कहीं पे वो रह जाएगा, क्योंकि चावल पकने के बाद नमक नहीं लेंगे। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा कम नमक लग रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब इसको फिर से मिक्स कर देंगे, फिर से टेस्ट कर देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे। कितनी देर में बनेगा? अब ये 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। 10 मिनट। तो अभी जो मैं बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनके तैयार हुए हैं, और टेस्ट करके बताएंगे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कि कैसे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे बच्चे। मीठू क्या पढ़ाई कर रहा है? केमिस्ट्री। हाँ, वो आशी वो कह रही है मैं टाइम पास कर रही हूँ। तो तू क्या पढ़ रही है? तू नहीं बता रही? आई इतनी बड़ी बेइज्जती है। या पढ़ रही है मैथ? मैथ ही पढ़ रही है। और मैथ तो ये मैथ कर रही है। नॉनसेंस गाय। नहीं, और इतने ये यार, ये क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है, ये क्या इंग्लिश है? अरे मैं फिजिक्स कर रही हूँ। ये फिजिक्स है? हाँ। ये तो मैथ है। अरे मम्मी देख लो यार। हाँ, मैथ, मैथ। देखिए दोस्त, ये देखिए दोस्तों, चावल जो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। दिखाओ। ऐसे ना जो सब्जियां है ना सारी की सारी आ जाती हैं, तो इनको ना ऐसे कर देंगे। वाओ, क्या मस्त येलो। और ये देखो खिलमा खिलमा कर, कलर भी तो येलो येलो आए हैं। और अब ना इन पे थोड़ा सा ना धनिया छिड़क देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ना इसको ऐसे ही ढक्कन लगा के नहीं डाल दो। और बच्चों को ना देखते ही हो जाता है कि अभी डाल दो बस। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, मतलब ये तो सुबह तक बच जाएंगे लगता है। हाँ, बच गए ना तो मैं खाऊंगा। ये देखो कितना पीड़ा पीड़ा। और एकदम ना बिल्कुल देखो कितने खिलमा खिलमा बने, बिल्कुल ही ज्यादा। ये देखो, अरे देख लिया दोस्तों ने सारे कितने बार देखे मुन का मन और कट गया होगा खाने का। अभी मैं ना बच्चों को डाल रही हूँ। डाल दो। सबसे पहले मेरी गोलू, मैंने डाल रखी है, मेरे पहले ही लेके खड़ी थी कि मेरी डाल। पहले मेरे थोड़े से ही, इतने बहुत है, इतने बहुत है, इतने बहुत है, इतने बहुत है, इतने बहुत है। इसके लिए डाल दिए मैंने चम्मच। मुझे लो घी तो डालो, घी के बिना थोड़ा ना काम चलेगा। लो ये घी ले जाओ मम्मी।
अरे ये मेरा डाल ले, दो जा घी ले जाइए ये डाल लिया ना ठीक है जी माँ डाल दूँ क्या मेरे चावल